छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर ईओडब्ल्यूयू ने महादेव ऐप मामले में एफआईआर दर्ज की है। महादेव केस में 19 आरोपियों के साथ भूपेश बघेल का नाम भी शामिल है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर की गई एफआईआर के बाद छत्तीसगढ़ के राजनीति में भूचाल आ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा इस मामले में उनका कोई लेना देना नहीं है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि जिनके खिलाफ मामले होंगे उनके खिलाफ एफआईआर जरूर होगी। ईओडब्ल्यू ने एफआईआर में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस साल की अब तक की एफआईआर में पहली बार पूर्व सीएम भूपेश बघेल को आरोपी बनाया गया है। महादेव केस में 19 आरोपियों के साथ भूपेश बघेल का भी नाम है। ईडी की रिपोर्ट पर हुई एफआईआर में भूपेश बघेल का नाम छठवें स्थान पर है। महादेव ऐप चलाने वाले 5 प्रमुख लोगों में रवि उप्पल, शुभम सोनी, चंद्रभूषण वर्मा, असीम दास और सतीश चंद्राकर के बाद भूपेश बघेल का नाम है। भिलाई में विजय शाह ने कहा महादेव ऐप सट्टा के मामले में हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, जिन जिन का नाम आया है उन पर एफआईआर दर्ज हुई है। के इस तरह के मामले महादेव ऐप के संदर्भ में हम सब जानते हैं बहुत अच्छे से, तो जिनका जिनका नाम जो जिनका जिनका विषय आया है संदर्भ आया है उन पर एफआईआर हुआ है, जांच होगी आगे और स्पष्ट होगा सब कुछ। भैया कोर्ट अगर बिल निरस्त करे और आप मैंने किसी मंत्री या वर्तमान में तो ये है कि आपसे उनसे पूछे कि इसको किस तरह ये क्या मसला हो सकता है। भाई कोर्ट ने बिल निरस्त किया है आप बता रहे हैं ना, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ या कोई भी क्या कर सकता है, इसका चुनाव से क्या लेन देन है? मैं सोचता हूँ बिल्कुल भी नहीं है। और ये मसले ऐसे हैं भैया जो न्यायिक विषय हैं, जो न्यायालय के में है तो उसका न्यायालय निर्णय करेगी। आपका जो प्रश्न था वो जांच का विषय है, एफआईआर हुआ है, एफआईआर के बाद जांच होगा और विषय सामने आएगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।